कंपलसरी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। कोई भी अगर पैनल रिपेयर करना है तो आप लोगों को पहले समझना होगा जो सर्किट बनी होती है किस हिसाब से बनाया जाता है, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का यूज किया जाता है, डीसी टू डीसी आईसी जो होती है यह पैनल की पावर सप्लाई होती है। अगर पावर सप्लाई है उसमें क्या होता है, उसमें 3 ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, एक जो होता है स्टैंड बाई का और जो दूसरा होता है पीएफसी का और जो तीसरा होता है लीनियर का। जो स्टैंड बाई वोल्टेज होता है जो एक ट्रांसफार्मर होती है 3.3 वोल्ट बनाती है और 5 वोल्ट बनाती है, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है या पीएफसी ट्रांसफार्मर होता है 390 वोल्ट से 400 वोल्ट के लगभग बनता है, और जो तीसरा ट्रांसफार्मर होता है इतना वोल्टेज लेकर 12 वोल्ट 24 वोल्ट बनाने का काम करता है। यानी जो ये पावर सप्लाई होती है उसी प्रकार से जो डीसी टू डीसी आईसी होती है पैनल की पावर सप्लाई होती है, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर बनाने का काम करती है, ये जो सर्किट होती है डीसी टू डीसी आईसी ही बनाती है। आप लोगों को रिपेयर करने से पहले आप लोगों को यह सब समझना होगा।